आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे लाल किताब के हिसाब से कि कर्क राशि को अपने सुख समृद्धि और शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए या क्या करना चाहिए। कोई भी नदी पार करे उस समय तांबे का सिक्का पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अपनी माँ से थोड़ी चांदी और चावल लेकर अपने पास रखें। चांदी के बर्तन में पानी तथा दूध पिए कर्क राशि वाले। गेहूं, गुड़ तथा तांबे का दान करें। पानी के प्याऊ लगवाएं, जहाँ पे पानी पीते हैं ना लोग, वो ही पानी वाला। मंदिर में दर्शन करने जाएं तो नंगे पाँव जाएं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने कोई जा रहा है तो उसे नहीं रोकें। माता जो भी सलाह दे उसका पालन करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा कन्यादान में सामान दें। कन्या का जब दान होता है, मतलब शादी के टाइम पे, तो कन्या को जरूर दान दीजिए। चावल, दूध और चांदी अपनी बेटी या संतान को दें। सोने के पलंग के पाए में तांबे का टुकड़ा लगाइए, जिस पलंग पे आप सोते हैं। घर बनाते समय नींव में चांदी की ईंट लगवाइए। 24 वर्ष से पहले घर का निर्माण नहीं करें। सफेद वस्तुओं से निर्मित चीजों का व्यापार नहीं करें। अपने रहस्य किसी को नहीं बताएं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।